महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली है। कहा जा रहा था कि इसके साथ ही करीब एक पखवाड़े चला सियासी ड्रामा खत्म हो गया है, लेकिन अगर सत्ता से हटकर अन्य चीजों पर नजर डालें तो यह महज जंग की शुरुआत नजर आती है। उद्धव ठाकरे ने भले ही सत्ता गंवा दी हो, लेकिन अभी भी उनके पास शिवसेना का नाम चिन्ह समेत कई चीजें मौजूद हैं। वहीं अब खबर यह है कि शिवसेना के 40 विधायकों के बाद अब पार्टी के 12 सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। शिंदे गुट के विधायक और पूर्व मंत्री गुलाबराव पाटिल ने यह दावा किया। एक दिन पहले दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान के लिए उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा, जबकि शिवसेना पहले से ही विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में है। शिवसेना में जहां उद्धव ठाकरे का आदेश ही सर्वोपरि माना जाता है, वहीं राहुल शेवाले ने उन्हें पत्र लिखकर अपना रुख जाहिर कर दिया। इससे भी शिवसेना सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा को बल मिला। गुलाबराव पाटिल ने दावा किया, फिलहाल 55 में से 40 विधायकों के अलावा 22 पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं। पाटिल ने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और शिंदे गुट शिवसेना का सम्मान को फिर से बहाल करेगा। शिंदे गुट में आने वाले शिवसेना सांसदों में सबसे पहला नाम उनके पुत्र कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे का है। इसके अलावा रामटेक से सांसद रामकृपाल तुमाने, हिंगोली से हेमंत पाटिल, शिरडी से सदाशिव लोखंडे, यवतमाल से भावना गवली, दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले, बुलढाणा से प्रताप राव जाधव, पालघर से राजेंद्र गावित, नासिक से हेमंत गोडसे, मावल से श्रीरंग बारणे और ठाणे से राजन विचारे के नाम की चर्चा है। वहीं अब उद्धव ठाकरे खेमे में 7 सांसद हैं, जिनमें दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, उत्तर पश्चिम मुंबई से गजानन कीर्तिकर, उस्मानाबाद से ओम राजे निम्बालकर, हाथकलंगणे से धैर्यशील माने, परभणी से संजय बंडू जाधव, कोल्हापुर से संजय मंडिल्क और दादर नागर हवेली से कलाबेन डेलकर हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार में नए मंत्रिमंडल का विस्तार उद्धव ठाकरे गुट की याचिका की वजह से अधर में लटक गया। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों का अयोग्य ठहराने वाली याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पार्टी सचेतक को मान्यता न देने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसके बाद राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों की टूट के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तब के सीएम उद्धव ठाकरे को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था, लेकिन फ्लोर टेस्ट का सामना करने से एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना ने यवतमाल से वरिष्ठ सांसद भावना गवली को लोकसभा के चीफ व्हिप पद से हटा दिया, उसकी जगह विचारे को लोकसभा का चीफ व्हिप बनाया। पहले चीफ व्हिप भावना गवली थी, उनकी जगह अब राजन विचारे चीफ व्हिप होंगे। इससे पहले शिवसेना के लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे से आग्रह किया था कि वह पार्टी के सांसदों से राष्ट्रपति पद की राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए कहें, क्योंकि मुर्मू आदिवासी हैं और समाज में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।